हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। इट्स अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी भी कॉल आई है वो केक शॉप से कि मामा का केक रेडी है। अब हम किसी और बहाने से मामा को साथ लेके जा तो रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि हम उनका केक ही पिक करने वाले हैं और साथ में कुछ गिफ्ट भी पिक करने वाले हैं, और साथ में करनी है वो जो बेबी का बैग की शॉपिंग रहती है वो भी कम्प्लीट करनी है। तो बस जल्दी से निकलते हैं यहाँ पर, बस ये सीन लेने के लिए बैठा था। केक तो एकदम फर्स्ट क्लास किस्म का तैयार हो गया। अब मेन टास्क है गाड़ी में छुपा के मामा से रखना कैसे है, और मेक श्योर करना है कि वो रात 12 बजे से पहले फ्रिज नहीं ओपन करे। अगर फ्रिज ओपन कर लिया तो सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। नहीं, गाड़ी में पीछे रखते हैं गाड़ी के। हाँ? मैं अबीरा को लेके आगे से प्लान ये किया कि मैं जाता हूँ गाड़ी के पीछे वाली साइड से, बिया और बुबू आगे से जाएंगे। वो फ्लेवर नहीं मिला नूडल्स का, तो यही बोलना है ना। नहीं नहीं मामा, बीरा को नहीं ले जा रहे, बीरा को आप रखिए अपने पास। बाय बाय बिया, ओके बाय 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 बाय। ये मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। चलो मुझे ए बिया, डैडी आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, प्रॉमिस। तो ऐसे हुआ कि आपने ट्रॉली ले ली हो और वो लेफ्ट पे जा रही हो या राइट पे जा रही हो, कितनी अनोइंग बात हो जाती है। अभी मैं इस ट्रॉली को छोड़ता हूँ, ये खुद ही लेफ्ट पे चली जाती है। टीम वर्क में हमने क्या प्लान किया है कि अगर मैं लेफ्ट राइट को पुश करूंगा, बूबू स्ट्रेट पुश करेगी, तो शायद बैलेंस हो जाए। बीच में जुगाड़ तो लगाना पड़ता है ना हर चीज का। यार एक तो ये नहीं है हमारे पास, ये लेनी है। ठीक है, अच्छा ये लेनी है, और जितनी सारी चीजें जानी है ना उस बेबी बैग में, मुझे लगता है वो बैग छोटा पड़ जाना है क्योंकि चीजों की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। ये लेने लाइक इन बेबी ब्रदर को दोगी, शेयर करोगी? ये कलर तो वैसे कुछ और बता रहा है। देखो आगे से छोटा सा है ना, हम तो बड़े हो गए ना। मैं तो बड़ी हो गई, आप नहीं बड़ी हुए। नहीं, मैं बड़ी हो गई, आप बड़े नहीं हुए, क्या मतलब है इस बात का? है जी, आप नहीं हुए। मैं नहीं हुआ? मैं बेबी हूँ। कितना छोटा? बहुत छोटा। कल परसों से बोल रही है उसको प्यू प्यू चाहिए, प्यू प्यू चाहिए, प्यू 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 चाहिए। अब हम सोच रहे थे क्या ये प्यू प्यू, बुबू को भी समझ नहीं आ रही थी, और अभी यहाँ पे हमें ये पियो पियो नजर आ गया, पानी वाली गन। तो मामा के बर्थडे पे तीन कार्ड मिलने वाले हैं, बिया की तरफ से, मेरी तरफ से और बुबू की तरफ से। अब बस वही कार्ड सेलेक्ट हो रहे हैं। ये कार्ड सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। पिंक ट्यूलिप, पिंक ट्यूलिप। मामा कुछ दिनों से बोल रही थी फ्लावर्स का पिंक, वैसे नॉर्मली नहीं बोलती, लेकिन कुछ अरसे से पिंक ट्यूलिप उनको बहुत पसंद आ रहे हैं। अब वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर मिल गए। उन्होंने पिक्चर देखी थी, उसके बाद वो गुड मॉर्निंग वाली पिक्चर्स नहीं भेजती जो आंटियाँ इधर उधर भेज रही होती है पिक्चर, उसमें उसमें मामा भी भेजती हैं, उसमें लिखा हुआ था कोई पिक्चर बनी थी पिंक ट्यूलिप की, वहाँ से उनको बहुत पसंद आए। अब कोशिश करेंगे वही वाले उनको मिल जाए। ट्यूलिप तो नहीं मिल रहे, पर उसके रिश्तेदार जो लिली मिल गए, कलर वही है पिंक टाइप कुछ, जो मामा ने देखा था वही है। हाँ। और अभी अभी मुझे बहुत मजे का आइडिया आया है बुबू। क्या? मामा ने मना किया हुआ है कि मेरे लिए कुछ ना लेना उनके, मतलब कोई फूल शूल कुछ भी ना लेना। ऐसे ना करें, उनको बोलेंगे कुछ नहीं लिया, मतलब ऐसे नॉर्मल शो करेंगे कुछ लिया ही नहीं है। और है ना, और फिर मतलब 5-10 मिनट गुजर जाएंगे, उसके बाद आराम से मतलब उनको दे देंगे। गले मिलेंगे जाके, हैप्पी बर्थडे, है ना। ये वाला ड्रेस जो है ये अभी फिलहाल लिया है, बाकी चीजें देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो रही हैं। एक जो मेन गिफ्ट है वो जो अनफॉर्चुनेटली एक हफ्ते के बाद आएगा, अभी अभी मैंने चेक किया है, वो कहीं पे भी स्टॉक में नहीं है, वो एक हफ्ते के बाद आएगा, और वो वाकई में मेन गिफ्ट है एंड शी रियली वांटेड इट। तो वो जब आएगा तो वो आप ब्लॉग में देख ही लोगे। ये चेक करो यार, फ्लेमिंग हॉट, ये भी लेना है। यार बाप अपनी ममता, ममता नहीं बाप की क्या होती है, बापता दिखाए तो बाप बिगाड़ है, ये क्या बात है। माँ दिखाए ममता तो ठीक है, बाप अपनी बापता दिखाए तो बिगाड़ है।
ये वाली लिफ्ट में हमारे साथ हर बार ऐसे ही होता है, हम इसमें आ जाते हैं और बटन दबाना भूल जाते हैं। अभी भी हम 3-4 मिनट से खड़े थे और लिफ्ट नहीं मूव हो रही थी, हमने बोला बटन दबाया। इसमें कोई मिरर भी नहीं है तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग जो है वो थोड़ा सा डिनर का इंतजाम किया और उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर। पियो 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 पर अब इसमें सिर्फ 5 मिनट रह चुके हैं। हमें पता है कि कितनी मुश्किल से चीज़ें संभाल के रखी थी। अभी फ़िलहाल जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा लग रहा है, वो केक है, वो बैलून्स हैं कुछ, और मामा की ट्यूलिप तो नहीं मिले, लिली चल रहे हैं, और इसके अंदर जो गिफ्ट है, अब मेन वाला गिफ्ट जो है वो तो अब कुछ दिन डिले है, वो आने वाला है, बट ड्यू है ऑब्वियसली, मामा को बता देंगे क्या सीन है। और ऑलमोस्ट टाइम है, जल्दी से फाइनलाइज करते हैं, मामा को बुलाते हैं। तो भैया दादू को बुला के लाओ, क्रेडिट तो जाते हैं बूबू को। हैप्पी बर्थडे टू यू। बैठो दादू पास। सो ब्यूटीफुल। ये ट्यूलिप नहीं है, मैं ट्यूलिप ले रहा था लेकिन मिल नहीं रहे थे, तो ये लिली है। ट्यूलिप की बहन लिली। केक कैसे लगा पहले ये बताएं। केक बहुत खूबसूरत है। क्योंकि मामा को लगा हमने कुछ भी तैयारी नहीं की हुई है और मामा ऑलमोस्ट सोने जा रही थी, तो हमने बुलाया मामा को और मामा के लिए थोड़ा मोटा जो भी सरप्राइज था। अच्छा मामा, मेन जो आपका गिफ्ट है ना, आपका मेन गिफ्ट है वो ऑर्डर करना था, लेकिन वो जो है वो 16th के बाद आएगा, वो स्टॉक में नहीं था, वो बता दूँ क्या है? अभी नहीं बताना, लेकिन यार बर्थडे आ जाए तो सरप्राइज मतलब रहने का क्या फायदा। मामा आपके लिए वो गोल्ड के बैंगल्स जो थे ना वो ऑर्डर किए थे, लेकिन वो स्टॉक में नहीं थे, तो 16th के बाद आएंगे। कहती मेरा बस नहीं चल रहा, मैं केक काटूंगा। मेरा बर्थ चल गया। ए रुक जा रुक जा, दादू काटेगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Oh my God, वो छोना छोना किसी पहला व्यू ने दिया मुझे, कितना पहला लिखा हुआ है मिया ने। थैंक यू थैंक यू। बर्थडे एनिवर्सरी दादू। कैसा लगा मामा? एवरीथिंग इज एडोरेबल। ओके तो अभी केक शेक खाते, थोड़ी पार्टी शार्टी करते हैं, मामा की बर्थडे मनाते हैं और आज के दिन को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो डू कमेंट ऑन बिलो, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें, क्या कर रहे हो। तो इसी बात पे एज ऑलवेज, तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। मैं खाऊं खाऊं मैक्रोन, मेरा कोई ना खाए और ये मेरा।